हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि जब हम दो ब्लॉक्स को इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड करते हैं तो दे फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन, सो दे डू नॉट अप्लाई एनी नॉर्मल एक्शन ऑन ईच अदर, ठीक है, बिकॉज दे हैव सेम एक्सेलरेशन। बट दिस केस इज स्लाइटली अ डिफरेंट केस। तो यहाँ पे एक और फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, ठीक है। दे आर नॉट फॉलिंग विद जी साइन थीटा, ठीक है। जो लास्ट केस था, इन दैट केस बोथ वर फॉलिंग विद जी साइन थीटा, बट इन दिस केस दे आर नॉट फॉलिंग विद जी साइन थीटा, दैट इज देयर एक्सेलरेशन इज नॉट जी साइन थीटा बिकॉज सम फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक द होल सिस्टम एज वन। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक मेरे पास एक ऐसा ब्लॉक है दैट इज़ 7 kg ब्लॉक, ठीक है, और उसका इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। दैट विल बी 7 cos 37, ठीक है। दैट इज 70 cos 37, ठीक है। दैट इज इक्स टू 70 cos 37 कितना आता है, 4/5, तो दैट विल बी 4/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक बोथ ब्लॉक को एक नॉर्मल रिएक्शन एन एक्ट करेगा, और इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लग रही है, दैट विल बी 70 sin 37, 70 sin 37, दैट विल बी 70 × 3/5, ठीक है। 37 होता है 3/5, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 56 न्यूटन, ठीक है। तो इतनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर। इसके अलावा ये जो 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, दैट इज़ ऑल्सो एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन सच दैट दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। अगर आप ज्योमेट्री से देखोगे तो ये एंगल भी 37 आ जाएगा। तो इस 50 का एक आपको इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लेना है, उसको मैं रेड कलर में ड्रॉ कर देता हूँ। दैट विल बी दिस 50, या यहाँ पे लगा सकते हैं या यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दैट विल बी 50 sin 37, दैट इज 50 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो ये आ गया मेरे पास 40। तो 40 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट विल बी 50 sin 37, ठीक है। 50 sin 37 हो गया, 50 × 3/5, दैट इज इक्स टू 30 न्यूटन। तो ये जो ब्लॉक है इसका ये एन है, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 56 और 30, 86, तो एन की वैल्यू आ गई 86, ठीक है, 86 न्यूटन। और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी सिस्टम की वो कितनी आ गई, एक्सेलरेशन होता है एफ नेट अपॉन मास, एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट कितना लग रहा है इसके ऊपर, नीचे की तरफ 40 लग रहा है और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 42, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये 42 है। तो नीचे की तरफ 42 लग रहा है, ऊपर की तरफ 40 लग रहा है, तो 2 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। 2 बाय मास कितना है सिस्टम का, 7, तो 2/7 m/s² दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम, ठीक है। तो ये जो 2 kg है हम उसको देखते हैं, ये ऐसे फोर्स एक्ट कर रही है, इसके नीचे ये 20 sin थीटा लग रहा है, 20 sin 37, 37 होता है 3/5, 5 4 20, दैट विल बी 12, और इसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा जो फोर्स एक्ट करेगी, दैट विल बी 20 cos थीटा, ठीक है, 20 cos थीटा। खैर हमें उससे लेना देना नहीं है। तो इसकी एक्सेलरेशन हमें गिवन है, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन इज 2/7, ठीक है, m/s², क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम चल रहा है उतनी से 2 चलेगा, उतनी से ही 5 चलेगा। अगर ये फोर्स ना होती तो दोनों जी साइन थीटा से चलते। तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन बतानी है कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन ऑन 5 due to 2, ठीक है। तो मुझे वो बतानी है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट कितना है इसका, सॉरी एक्सेलरेशन कितनी है, 2/7। एफ नेट कितना है, एफ नेट हमें पता नहीं है, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स एफ माइनस 12 − n कर दूंगा मैं, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2, या इसको एन एन डैश लिख लेते हैं, ऐसे एन डैश नॉर्मल रिएक्शन हमें चाहिए जो इस पे लग रही है, और डिवाइडेड बाय 7। तो ये 7 ने 7 को मार लिया, दिस इम्प्लाइज एन डैश इज इक्वल टू 12 − 2, दैट इज 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है।
तो एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो हमने। तो एक्सरेशन इसकी आ गई हमारे पास, एक्सरेशन हमने निकाल लिया जो दैट इज़ 2/7, और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगे। अच्छा, एक फोर्स मिस कर गए हम, इसका ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट लग रहा है दैट इज़ 40, तो ये 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में हम लिखेंगे ये एक्सेलरेशन एफ नेट, यहाँ पे 12 ऊपर की तरफ, 12 नीचे की तरफ है, तो इस पे जो, एक मिनट इसको सही करके लिखते हैं हम, एफ नेट लिख लेते हैं। एफ नेट कितना एक्ट करेगा, एफ नेट एक्ट कर रहा है इस पे नीचे की तरफ, एक तो ऊपर की तरफ 40 एक्ट कर रहा है, तो ये जो एन है ये हमने गलत ड्रॉ कर लिया, ये नीचे की तरफ है, तो एन डैश है नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 5 ऐसे। तो 40 - 12 और माइनस एन डैश, तो ये मेरे पास आ गया, ये निकालोगे आप तो कितना रहेगा, 28 - एन डैश, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज एफ नेट अपॉन मास, तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखो 2/7, एफ नेट की वैल्यू लिखो इसमें 28 - एन डैश, और मास लिखो इसका 2, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने मास भी गलत लिख दिया था क्योंकि मैं सिर्फ 2 kg को देख रहा हूँ, तो 2 आएगा यहाँ पे सिर्फ मास, ठीक है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। तो अब हमारे पास एक नई चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो हमने दो ब्लॉक्स को एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है, तो आपको टेंशन ना स्ट्रिंग बतानी है, ठीक है। तो देखिए इस पूरे सिस्टम वैसा ही करना है जैसे पहले की, इस पूरे सिस्टम को आप एक मान लीजिए, तो एक मान लिया मतलब मैंने ये 6 kg का सिस्टम मान लिया, तो इस पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में 50 लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी आ गई इस पे। तो मैं पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, एक्सेलरेशन इज़ एफ नेट अपॉन मास, एफ नेट अपॉन मास, एफ नेट कितना है, 50 - 10 दैट इज़ टू 40, और ये 6 आ गया मेरे पास, 20/3 m/s² मेरे पास क्या आ गया, इसकी एक्सेलरेशन आ गई। अब टेंशन निकालनी है, इसकी भी एक्सेलरेशन उतनी है, इसकी भी उतनी है, तो एक कोई भी एक FBD बना लीजिए, इस डायरेक्शन में टेंशन है, इधर 50 न्यूटन है, ये 4 kg का ब्लॉक है, इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वो है 20/3, तो मेरे पास आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी लग रही है इस पे, 50 - t इज इक्वल टू मास इज 4, एक्सेलरेशन इज 20/3, तो आप 50 - 80/3 कर दीजिए, दैट विल बी टी, तो 100 150 - 80 दैट विल टी इज इक्वल टू 70/3 न्यूटन, ये मेरे पास टेंशन है ना स्ट्रिंग आ गई। तो आप ऐसे इनको कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या चीज़ है कि भाई हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं और उनको जो रस्सी जिससे बांध रखा है ना, पिछले केस में ये जो रस्सी थी दैट वॉज मासलेस, मासलेस स्ट्रिंग, इस केस में इस स्ट्रिंग का भी एक मास है, ठीक है, वो कितना मास है, 0.5 kg/m, तो टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग, तो दैट इज इक्वल टू 6 × 0.5 दैट इज इक्वल टू 3 kg, तो ये स्ट्रिंग का मास भी इस बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन इस पॉइंट पे पता करनी है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे टेंशन कितनी होगी। देखिए अगर मासलेस स्ट्रिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मासलेस स्ट्रिंग हो तो पूरे स्ट्रिंग में एक एक ही तरह की टेंशन होती है, बट अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, उसका मास है स्ट्रिंग का कुछ, तो हर एक पॉइंट पे जो टेंशन है वो डिफरेंट होती है। तो इस केस में इस ब्लॉक से 2 m पे आपको टेंशन बतानी है, तो मास ऑफ द स्ट्रिंग हमें पता चल गया। तो इस पूरे सिस्टम को आप एक मान लीजिए, कितना है, 4 और 2 6, 6 और 3 स्ट्रिंग का मास है 9 kg, और इधर 2 न्यूटन फोर्स है, इधर 20 न्यूटन फोर्स है, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, एक्सेलरेशन इज 18/9, तो आ गया 2 m/s², ये एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। इसका मतलब पूरे का पूरा सिस्टम इसी एक्सेलरेशन से ही चल रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसकी FBD बनाता हूँ, ये मेरे पास आ गया 4 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये कितना है, 2 m, 2 m में आधा kg और आधा kg दो जोड़ दीजिए, तो 1 kg स्ट्रिंग का मास हो गया, और इस जगह पे टेंशन टी बतानी है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू
मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसकी फोर्स बड़ी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने पहले ही निकाल ली पूरे सिस्टम की, इसका मतलब ये इधर चल रहा है तो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन 2 है, बट ये बड़ा है इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे भी मैं 20 माइनस टी लिखूंगा, टी माइनस 20 नहीं, तो फोर्स है 20 माइनस टी और मास है 3, एक्सेलरेशन है 2, तो टी 20 माइनस 6 इज इक्व टू टी, तो आया 14 न्यूटन, दैट इज इक्व टू टेंशन। तो टेंशन आई जो मेरे पास आया वो आई है 14 न्यूटन, ठीक है। तो फिर भी एक बार चेक कर लें, ये 4 प्लस 1 5 है यार, मैं गलत लिख रहा हूँ, 5 है ये मास 4 और 1 kg 5 का, तो 5 2 10, तो यहाँ से 10 निकाल दीजिए, तो 10 न्यूटन मेरे पास टेंशन आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिट गया, ये 2 मीटर की स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, और 1 मीटर पे आपको ये इसकी टेंशन बतानी है, और आधा किलोग्राम पर मीटर इसका मास है स्ट्रिंग का, और दूसरी स्ट्रिंग है जो वो मासलेस है। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पॉज कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए, तो आपको इस पॉइंट पे स्ट्रिंग की टेंशन बतानी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, पहले तो आप पूरी स्ट्रिंग को एक ब्लॉक मान लीजिए, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, इस इधर लग रही है 10 न्यूटन, तो ये मास कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 1 4, 4 और 1 5, 5 kg मास हो गया, ठीक है, 2 3 4 और 5, 5 kg। तो एक्सेलरेशन सिस्टम की कितनी आ गई, एफ नेट अपॉन एम, तो एफ नेट कितना है, 30 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी फोर्स लग रही होगी इस पे, यहाँ यहाँ पे टेंशन कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप इस ब्लॉक को ले लोगे ना, तो ये टेंशन भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इधर वाला ब्लॉक लेता हूँ, तो यहाँ की टेंशन मैं अपने आप निकाल लूँगा कितनी होगी, क्योंकि ये सिस्टम इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये चीज़ ही बड़ी है इस पे। तो ये जो है मेरे पास 1 kg का ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, इसकी पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 मीटर पे जाके ये टेंशन है जो, वो इस डायरेक्शन में टेंशन मान लीजिए टी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे हैवी स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, मोटी रस्सी बांध रखी है, तो बस फोर्स एफ नेट इज इक्व टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है, तो फोर्स कितनी लग रही है इस पे, टी माइनस 10, और मास कितना है इसका, देखिए 1 kg तो इस ब्लॉक का है और आधा kg इसका है, ठीक है, तो दैट इज मास कितना हो गया, 3/2, ठीक है। तो टी माइनस 10 इज 3/2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 6, तो ये कट गया, तो मेरे पास टेंशन कितनी आ गई, 19 न्यूटन। तो ऐसे हम टेंशन निकाल लेते हैं स्ट्रिंग की, अगर मासलेस स्ट्रिंग हो या मास वाला स्ट्रिंग हो, ठीक है, तो दोनों केसेस में हम ऐसे टेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी एक मैंने जानबूझ के वीडियो बनाई है ताकि आपको देखने में आसानी हो। अगर आपको इतनी लंबी वीडियो की लेंथ चाहिए तो मुझे बताइए, अगर इससे बड़ी लेंथ की वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो के नीचे, ठीक है, ताकि मैं अकॉर्डिंगली आपके कंफर्ट के लिए अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकूँ, ठीक है। थैंक यू।